हेलो गाइस, वेलकम टू अमित बायोटेक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन चैनल, जिसमें हम लोग ओपन और क्लोज चैनल की बात करेंगे। उसमें भी हम लोग देखेंगे लिगेंड बेसिस चैनल, या फिर ये या फिर देखेंगे हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली आयन की ज़रूरत सेल्स मेम्ब्रेन को क्यों पड़ी, बात अगर आयन चैनल्स की कर रहे हैं तो आयन चैनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी सेल मेम्ब्रेन को। आयन चैनल्स बेसिकली क्या करता है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्स प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू वाटर जो है अंदर या भाई बाहर जा सकता है। ओके, अब ये कुछ चैनल्स के लिए भी रिसेप्टर का काम करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, क्लोरिन चैनल हो गया। ये सब क्या क्या रिसेप्टर का काम कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। आज हम लोग सब चीज़ें को बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आयन चैनल्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, ये हमारा लेक्चर 6 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब आयन चैनल्स की बात कर रहे हैं। आयन चैनल्स प्रोवाइड हाइड्रोफिलिक पोर्स थ्रू विच सेलेक्ट आयन कैन डिफ्यूज मूविंग डाउन देयर इलेक्ट्रिकल और केमिकल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये हाइड्रोफोबिक पोर्स जो ये प्रोवाइड कर रहा है ये सेल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू आयन्स या फिर वाटर मोलिकुल अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, जिससे क्या होता है कि केमिकल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। उसके थ्रू ही वो अंदर बाहर मूव करता है। मतलब कि देखा जाए तो सेल के अंदर कुछ अलग टाइप्स का केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा, जो कि अंदर कम होगा बाहर ज़्यादा होगा, तो उसके थ्रू अंदर बाहर कर लेगा। अब यहाँ पर कुछ मोलिकुल भी प्रेजेंट होते हैं, लाइगेंड भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं अंदर बाहर ले जाने में मोलिकुल्स को। देन उसके बाद पॉइंट हमारा है, दे आर अ कैरेक्टरिस्टिकली अनसेचुरेटेबल एंड हैव वेरी हाई फ्लक्स रेट। और ये अनसेचुरेटेबल होता है, वेरी हाई फ्लक्स रेट पे ये काम करता है बेसिकली। मेनी आयन चैनल्स हाईली स्पेसिफिक फॉर वन आयन्स एंड मोस्ट आर गेटेड बाई अदर वोल्टेज और लाइगेंड। अब देखो, जितने भी सिर्फ चैनल हो जितना बेसिकली अधिकतर चैनल जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक किसी स्पेसिफिक मोलिकुल्स के लिए वो बना होता है, जैसे कि क्लोरीन आयन हो गया या फिर सोडियम आयन हो गया। इसके लिए स्पेशल आयन चैनल बना हुआ रहता है, वो सिर्फ सोडियम आयन को ही रिसीव कर रहा है, वो सिर्फ क्लोरीन आयन को ही रिसीव कर रहा है, या फिर वो सिर्फ पोटेशियम आयन को रिसीव कर रहा है। इस टाइप के पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप के चैनल प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये सब क्या करते हैं, रिसीवर का काम करते हैं बेसिकली। ओके, अब हम लोग टैप्स के देखेंगे। तो टैप्स में आयन चैनल जो होता है वो दो टाइप से होते हैं बेसिकली, चाहे तो वो ओपन होगा या फिर क्लोज्ड होगा। अब ये लेगेंड और वोल्टेज है वो हम बताते हैं। जैसे कि अगर लेगेंड भी लेगेंड चैनल है या फिर वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो मे भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, या ओपन हो सकते हैं या क्लोज हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर टैप्स की देखा तो ओपन टैप्स में देखो तो लेगेंड गेटेड और वोल्टेज गेटेड दोनों हो सकते हैं, क्लोज में भी लेगेंड गेटेड वोल्टेज गेटेड दोनों हो सकते हैं। मतलब क्लोज टाइप का अगर चैनल है तो उसमें भी लाइगेंड भी होगा या फिर वोल्टेज होगा, मैं तो समझ रहे हो ना, दोनों चीज़ प्रेजेंट होगा, चाहे ओपन हो या फिर क्लोज हो। और यहाँ पर देख लो ओपन वाला कैसा होता है, ये बिल्कुल देखो यहाँ से क्या है कि मॉलिक्यूल डायरेक्टली इंटर हो जा रहा है, लेकिन क्लोज में यहाँ पर एक बैरियर प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे क्या कि वो रोक देता है मॉलिक्यूल के अंदर आने में। तो ये क्लोज टाइप्स का हो गया, ये हमारा ओपन टाइप्स का हो गया। ये फ्रंट व्यू है, यानी कि ऊपर से व्यू है, तो ऊपर से देखो तो किस तरह का, ये 5 डॉटेड दिख रहे हैं गोल गोल, ये ऊपर का व्यू, मतलब इसके ऊपर से अगर देखेगा तो ये इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ओपन और क्लोज्ड चैनल। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो तो यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक मैसेंजर प्रेजेंट है। रिसेप्टर क्या करेगा, मॉलिक्यूल जब आएगा तो उसको रिसीव करेगा, और ये मैसेंजर क्या करेगा, ये मैसेंजर किसी के थ्रू यहाँ से मैसेज जो है वो जाएगा, या फिर कोई मैसेज आ रहा है तो यहाँ पर रिसीव करेगा, यहाँ से मैसेज जाएगा। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है, या दो टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट है। ओके, बोल सकते हैं, ठीक है। तीन टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, टाइप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे आयन चैनल ओपन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाय। अब जो आयन चैनल्स है वो कितने तरह के हो सकते हैं, चाहे तो लाइगेंड गेटेड हो या फिर वोल्टेज गेटेड होगा, मतलब टाइप्स बेसिकली बता रहा है कि कितने टाइप्स के आयन चैनल है। आयन चैनल ओपन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाय, स्पेसिफिक स्टिमुलाय पर डिपेंड करता है कि कौन सा चैनल जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो कौन सा क्या काम करेगा। अब लाइगेंड गेटेड पढ़ लेते हैं पहले। लाइगेंड गेटेड क्या होता है कि जनरली ओलिगोमेरिक होता है, ठीक है। ओलिगोमेरिक मैं समझाऊंगा जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, तो जनरली ओलिगोमेरिक होता है ये बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर स्मॉल मोलिक्यूल फोर्सेस एंड एलास्टोटिक
ट्रांसिजन इन द प्रोटीन विच ओपन और क्लोज द चैनल। बेसिकली ये लाइगेंड जो होता है ना, ये हमारा जो चैनल हो गया, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल में ये लाइगेंड प्रेजेंट है। ये लाइगेंड क्या काम कर रही है, प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, ओके। और ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये सेल को ओपन और क्लोज कराने का काम कर रहा है, चाहे तो इससे ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, ओके। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है लाइगेंड, यहाँ पर हमारा चैनल को ओपन और क्लोज करने का काम कर रहा है, और ये प्रोटीन से बना हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल की बात कर रहे हैं, तो अ चेंज इन ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉज अ चार्ज पोटेंशियल। अभी मैंने बताया कि चाहे तो, अब जैसे ये मेम्ब्रेन हमारा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो चेंज करेगा बाहर के अनुकूल, मतलब जो बाहर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसके अनुकूल अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंज करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आइनल चैनल जो है क्लोज या फिर ओपन होगा। अब यहाँ पर देख लो, वोल्टेज सोडियम आयन है, अंदर भी सोडियम आयन का जो चैनल है, ये सोडियम आयन का चैनल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर वोल्टेज ग्रेडियंट बना देगा, जिसके वजह से सोडियम आयन इससे आके अंदर आ जाएगा, ओके। और ये ओपन क्लोज की तो मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर लाइगेंड प्रेजेंट होगा जो कि ओपन और या क्लोज करवाएगा। यहाँ पर देख लो लाइगेंड गेटेड, इसमें इस टाइप्स का है, यहाँ पर लाइगेंड गेटेड चैनल हो गया, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसे लाइगेंड का हो गया। ये मैकेनिकल गेटेड, वोल्टेज गेटेड और ऑलवेज ओपन, यानी टोटल चार टाइप्स के चैनल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मशीनरी और गेटेड और ऑलवेज ओपन में क्या होता है, ये ऑलवेज ओपन रहता है। मशीनरी गेटेड मतलब इसके लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि ओपन और बंद कराने में मैकेनिकल हेल्प होता है, ठीक है। मैकेनिकल कुछ हेल्प होता है उसको ओपन और बंद कराने के लिए, ठीक है। यानी कि बेसिकली दो ही होता है, एक लाइगेंड गेटेड और एक वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड में क्या हो रहा है, हमारा आयंस जो है वो एक तरह से पोटेंशियल क्रिएट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से क्या चार्ज अंदर बाहर जा सकता है। और लाइगेंड में क्या है, एक लाइगेंड बेसिकली प्रोटीन प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है कि चैनल को ओपन और बंद करवा रहा है, ओके। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? देन उसके बाद वर्क। अब बेसिकली आयन चैनल का वर्क हमने समझा दिया कि क्या कर रहा है, वो आयन चैनल क्या कर रहा है, सोडियम या पोटेशियम या आयन्स को अंदर ले जाने के या बाहर ले जाने का काम कर रहा है। तो वर्क भी देख लेते हैं, क्योंकि नोट्स भी तो तैयार करना ना, इसलिए मैंने सब चीज़ लिखे रखा है। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, जब नोट्स रहेगा ना आपके पास तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएगी। आयन चैनल टुगेदर विथ आयन इन पम्प्स सच एज द सोडियम पोटेशियम और ATPs डिटरमाइन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू स्पेसिफिक आयन एंड रेगुलेट द साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम ATPs ये सब इसको डिटरमाइन करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाएगा। उससे क्या होगा, साइटोसोलिक कंसंट्रेशन जो आयन है, मतलब सेल के अंदर का जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर दो पॉइंट आता है, एक आयनोफोर्स, एक एक्वापोरिंस। जब ये आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे तो ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे, जिसमें आयनोफोर्स होगा और एक एक्वापोरिंस होगा। अब आयनोफोर्स क्या है, एक्वापोरिंस, आयनोफोर्स से ही पता चल रहा है कि आयन को रिसीव करने वाला कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होगा। देन एक्वापोरिंस की बात करें तो एक्वा मीन्स बायोलॉजिकल वर्ड मीन्स होता है वाटर, यानी कि वाटर को रिसीव करने के लिए कुछ प्रेजेंट होगा, सिंपली यही चीज़ है। अब चलो आयनोफोर्स को देख लेते हैं। सर्टन माइक्रोब सिंथेसाइज अ स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल आयनोफोर्स दैट फंक्शन एज अ सटल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस आयनोस्फोर सराउंडेड बाय अ पेरिफेरल हाइड्रोफोबिक रीजन, दिस अरेंजमेंट अलाउ द मोलिक्यूल्स टू डिजॉल्व इफेक्टिवली इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज। ये क्या है ना कि ये आयनोफोर्स जो है ना, बेसिकली छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं या फिर अलग टाइप्स के जो भी मोलिक्यूल ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है, उसमें क्या करता है कि वो लोग ऑर्गेनिक मोलिकुल्स आयनोफोर्स बनाते हैं। आयनोफोर्स क्या होता है, बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक लेयर से कवर होता है, हाइड्रोफोबिक लेयर से कवर होता है। वो क्या करता है कि बेसिकली ये देख लो, हमारा यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये आयनोफोर्स इस तरह से प्रजेंट होगा ये चैनल में, और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा और अंदर सेल के अंदर इस चीज़ को ले जाएगा। अब आयनोफोर्स ही आयन को रिसीव करेगा, ना कि वाटर को, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर है तो वाटर इससे रिपेल हो जाएगा, सिर्फ ये आयन को रिसीव करेगा और सेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर देख लो, इस टाइप से भी हो सकता है या इस टाइप से हो गया। ये हमारा कैरियर हो गया, ये हमारा चैनल हो गया। अगर चैनल में देखा जाए तो ये होगा इस टाइप का, वो डायरेक्टली इधर से अंदर से ला के अंदर वो फेंक देगा। इस चीज़ को फेंकेगा आयन्स को।
बेसिकली इसका एग्जांपल देख लो तो पॉलीपेप्टाइड ग्रेमेसिडिन एक टाइप का ये प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में। ओके एंड एक्वापोरेंस की बात कर तो ये क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा जो पानी को अंदर बाहर करेगा। ओके ये प्रेजेंट होगा इस टाइप से सेल मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर देख लो ये फिगर दिया होगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में इस टाइप से ये प्रेजेंट है। वो क्या कर रहा है H2O को अंदर ला के अंदर सेल के अंदर छोड़ दे रहा है। इन सर्टेन सेल्स रेड सेल्स किडनी द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय अ सिंपल डिफ्यूजन इज मूवमेंट थ्रू वाटर चैनल। दिस चैनल आर कंपोज बाई अ टेट्रामेरिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एक्वापोरिन्स। अब टेट्रामेरिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एक्वापोरिन्स, ओके इसको AQPSC बोलते हैं। अब ये क्या करता है, स्पेशली स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल में ये प्रेजेंट होता है एक्चुअली, जैसे कि किडनी में हो गया, RBC में हो गया। यहाँ पर क्या है कि वाटर का जरूरत कंटिन्यू बनते रहता है, उसमें क्या होता है कि ये एक्वापोरिन्स चैनल प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू क्या होगा वाटर अंदर या बाहर आसानी से सेल के अंदर जा सकता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा ये जो चैनल प्रेजेंट होगा वो होगा हमारे किडनी में, क्योंकि किडनी क्या है वाटर को कंटिन्यू फिल्टर करते रहता है, तो वहाँ पर ये चैनल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ओके और ये किस चीज़ का बना होता है, टेट्रामेरिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है जिसको हम लोग एक्वापोरिन्स करते हैं, जैसे इसको हम लोग AQPS से भी डिनोट करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं चैनल्स की, आयन चैनल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं बेसिकली। तो दे आर अ कम्पोज ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सब यूनिट। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है, मोस्ट आर हाईली सिलेक्टिव फॉर वन आयन्स, अ फ्यू आर नॉन सिलेक्टिव। मीन्स मैंने बताया था कि ये हाईली सिलेक्टिव ऑफ वन आयन, जैसे कि सोडियम के लिए स्पेसिफिक होगा, कैल्शियम के लिए स्पेसिफिक हो गया, पोटेशियम के लिए स्पेसिफिक आयन्स प्रेजेंट होते हैं। दे अलाउ इम्पोर्बेबल आयन टू क्रॉस मेम्ब्रेन अ रेट अप्रोच डिफ्यूजन लिमिट्स। ओके दे कैन परमिट आयन फ्लक्स 10^6 टू 10^7 पर सेकेंड। दिस एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड, देयर एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड, क्योंकि अब ये अपने आप काम नहीं कर रहा, इसको कुछ काम कराने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि इसके लिए कुछ लाइगेंड प्रेजेंट होंगे या फिर केमिकल्स, या केमिकल्स नहीं बोल सकते हैं, आयन गेटेड बोलते हैं उसको, आयन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये सब काम करवाने में हेल्प करता है, वो ATPase वगैरह का यूज़ होता है यहाँ पर। देयर एक्टिविटी आर रेगुलेटेड, द मेन टैप आर वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड एंड मैकेनिकली गेटेड। वोल्टेज गेटेड हो सकता है या लाइगेंड गेटेड हो सकता है या फिर मैकेनिकली गेटेड हो सकता है। दे आर यूजुअली हाईली कंजर्व क्रॉस स्पेसिस। मोस्ट सेल हैव अ वराइटी ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोरिन चैनल्स। ओके म्यूटेशन इन जीन्स इनकोडिंग देम कैन कॉज स्पेसिफिक डिजीज, देयर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाई अ सर्टन ड्रग्स। अब देखो ये जो चैनल प्रेजेंट होता है ना, अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाए ड्यू टू म्यूटेशन, जैसे कि मेरे में अभी अभी मेरे जो अभी जो मेरे सेल में जितने भी चैनल्स प्रेजेंट हैं वो अगर किसी म्यूटेशन की वजह से उसमें डिफेक्ट आ जाए, वो चैनल बंद हो जाए या फिर काम करना बंद हो जाए नेक्स्ट सेल में, तो उससे क्या हो जाएगा, एक स्पेशल टाइप की डिजीज़ कॉज हो जाएगा, उससे डिजीज़ अलग अलग टाइप्स का, जैसे सोडियम अगर नहीं है, सोडियम चैनल नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर सिग्नल्स वगैरह की दिक्कत हो सकता है, सिग्नल्स प्रॉब्लम मतलब उसको। अब इसको हम देखेंगे कि डिजीज़ में किस टाइप के डिजीज़ हो सकता है। ओके म्यूटेशन इन जीन्स इनकोडिंग देम कैन कॉज स्पेसिफिक डिजीज, देयर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय सर्टेन ड्रग्स। अब इसको कुछ ड्रग्स के, अब जैसे कि किसी चीज़ को सप्रेस करना, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को सुन करते हैं है ना, उंगली को अगर समझ लो इसमें चोट लग गया, इसको सुन करना हो तो इसमें अगर ड्रग देते हैं तो क्या होता है, वो चैनल जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये सुन हो जाता है। ये ब्लॉकिंग करने के लिए अधिकतर जो मेडिसिन वगैरह जो होता है वो सब इसी पर काम करता है, वो चैनल को ब्लॉक कर देता है या चैनल को रोकता है, यही सब की वजह से क्या होता है सारे अधिकतर मेडिसिन काम करते हैं। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी में। चलो अब कुछ डिजीज़ देख लेते हैं, ये चैनल अगर प्रेजेंट नहीं है हमारे बॉडी में तो क्या क्या कौन कौन सा टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम आयन वोल्टेज गेटर स्केलेटल मसल्स। अगर स्केलेटल मसल में ये चैनल प्रेजेंट नहीं हो तो हमें हाइपर कैल्मिक पीरियोडिक पैरालिसिस और पारामोनिया गोनेटिव, यानी कि सुन टाइप का हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ओके देन अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड है न्यूरोनल में, अगर न्यूरोन में अगर मतलब ये देखो यहाँ पर स्केलेटन्स में बात हो रहा है, यहाँ पर अगर न्यूरोन्स में ये वाला सोडियम चैनल अगर काम करना बंद कर दें तो जनरलाइज अप्लाइज विथ फेब्रिल सेजर्स। ठीक है ये मेरे को पता नहीं क्या होता है, सर्च करके बताना कमेंट्स में।
मतलब ये डिफेक्ट दिखा रखा है टोटल, ये सब जो जितने भी चैनल्स अगर ये सब का डिफेक्ट दिखेगा तो ये सब के टाइप्स की बीमारी हमें हो सकती है। तो अगर आप रटना चाहते हो तो रट लेना। हाँ, मैंने भी कोशिश की है रटने की, इसको समझने में क्या टाइम वेस्ट करना, तो इसलिए बेटर है कि एक दो तीन जैसे कैल्शियम का रट लो, सोडियम का एक रट लो, इस टाइप का कुछ रट लो। रटने क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा तो भी नॉर्मल पूछेगा ही, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा क्योंकि मैं मेडिकल तो पढ़ नहीं रहा, तो फिर भी कुछ कुछ रट लिया जाएगा डिजीज़। ओके, ताकि पूछे तो ऐसा ना लगे कि हम लोग पढ़े ही नहीं थे, तो ये भी ज़रूरी है। ओके, तो आप लोग इसको देख लेना कौन कौन से डिजीज़ हैं और कैसे कैसे डिजीज़ हैं, ठीक है। और कुछ सिंड्रोम्स भी हैं। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम लोग आयन चैनल्स पूरा कवर कर लिए, जिसमें हम लोग ने देख ला देखा। यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार, आप लोग सपोर्ट किया करो तभी तो मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जो गलती करता हूँ वो बताओ मुझे, ताकि मैं उसको सुधारूँ। आप लोग देख ही नहीं रहे हो, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। ओके, हम लोग आयन चैनल देख लें जिसमें ओपन और क्लोज टाइप के दो चैनल देखें, या फिर लाइगन वेटेड, ये चैनल जो होते हैं ओपन और क्लोज, चाहे तो वो लाइगन गेटेड होंगे, वोल्टेज गेटेड होंगे, या फिर मैकेनिकल गेटेड या ऑलवेज ओपन। लाइगन गेटेड वोल्टेज है, ये दोनों में प्रेजेंट होगा, ओपन रहे या क्लोज रहे दोनों में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। वर्क में हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ये सब यूज़ करके, ये सोडियम के लिए स्पेसिफिक सोडियम रिसेप्टर का काम करता है, कैल्शियम रिसेप्टर का काम करता है। नोट में फिर आयनोपोर्स देखे, एक्वापोरिन्स देखे, एक्वापोरिन्स क्या वाटर के लिए था और आयनोपोर्स आयन के लिए था, ठीक है। प्रॉपर्टीज में देख लिया हम लोग ये क्या काम कर रहा है, उसके बाद कुछ डिजीज पड़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अंकल नेक्स्ट लेक्चर में।